संजय जी, आपकी आवाज बहुत सही आ रही है। ये बताइए कि पूर्वांचल में आज छठा चरण है, 10 जिले हैं और 57 सीटें हैं, जिनमें से 2017 में 46 जीती थी। लेकिन इस बार जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि उतना नहीं आ पाएगा जितना 2017 में आया था। देखने वाला विषय है। देखिए, 2017 और 2014 के बाद में उत्तर प्रदेश और देश के अंदर एक बदलाव आया। उत्तर प्रदेश की जनता बेहद ही जागरूक है और उत्तर प्रदेश की जनता ने अधिसूचना लगने से पहले ही मन बना लिया था कि इस बार माफिया, आतंकवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले के लोगों की विदाई वो 2017 में ही कर चुके थे, लेकिन इस बार उन्हें कोई मौका उत्तर प्रदेश की जनता नहीं देने जा रही है। रही बात, देखिए, आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो 5 साल में उत्तर प्रदेश में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त और 100% लॉ एंड ऑर्डर देने का काम किया है, तो उससे उत्तर प्रदेश की जनता को और इस उत्तर प्रदेश की जनता को इस बात को बल मिला कि वास्तव में अगर कोई उत्तर प्रदेश में सुशासन दे सकता है, माफिया, आतंकवाद और परिवारवाद और तुष्टीकरण से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मैं यहां पर स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2012 से 2017 के बीच में ये जो समाजवादी पार्टी वाले दावा कर रहे हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश को प्रतिवर्ष आंकड़े मौजूद हैं, प्रति वर्ष 700 दंगे उत्तर प्रदेश में कराने का काम करते थे। और जो ये महंगाई की बात करें तो ये भी याद रखें कि टैक्स पेयर का पैसा 1274 करोड़ रुपया प्रति वर्ष सेफई महोत्सव के नाम पर लुटाने का काम किया करते थे। समाजवादी पार्टी जब सरकार में नहीं होती तब सेफई महोत्सव कहां चला जाता है? अगर ये अपने पैसे से वो सेफई महोत्सव मनाते हैं तो जब सरकार में नहीं होते तब सेफई महोत्सव क्यों नहीं मनता? सरकारी आंकड़े मौजूद हैं, 1274 करोड़ रुपया प्रति वर्ष जब ये सरकार में होते हैं तो सेफई महोत्सव के नाम पर फूंकते हैं, 700 दंगे प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश को देने का काम करते हैं। बहुत बड़ा आरोप यहाँ त्यागी साहब आप पर लगा रहे हैं। सेफई महोत्सव को लेकर कह रहे हैं कि 1400 करोड़ से ज्यादा का यह महोत्सव होता है, लेकिन जब सत्ता में नहीं होती सपा तब नहीं होता है। इसके अलावा 700 दंगे आप लोग प्रति वर्ष करवाते हैं जब आप सत्ता में होते हैं। कह रहे दंगे की बात, जब दंगा ही और सत्ता में आ जाए तो कहां से दंगा होगा? आज के समय में जो भी दंगे इन लोगों ने करवाते थे, चाहे गोरखपुर का सवाल के पत्र में ये लोग प्रायोजित करके दंगे करवा कर दूसरी सरकारों को भी, जो सरकार आती थी उसको खाली बदनाम करते थे। जब चोरही चौकीदार हो जाएगा तो अपने आप सुरक्षा हो जाती है। और रही बात जो अभी कह रहे हैं कि जो आज अभी बता रहे हैं कि जो सफाई का सवाल कर रहे हैं, बगल का मधार महोत्सव बराबर होता था कबीरदास, जो पूरे दुनिया का एक बहुत बड़ा संदेश देने वाले हिंदू और मुस्लिम सबको, पूरी दुनिया उनको मारती थी। ये महोत्सव जो समाजवादी पार्टी यहाँ 50 लाख रुपए देती थी और होता था कार्यक्रम, त्यागी साहब की आवाज भी अनम्यूट कर दीजिएगा और वही जाकर के दूर, ठीक है? इसके बाद में लोग बात कर रहे हैं, त्यागी साहब ने आरोप लगाया, आप जवाब दे रहे हैं। अब आपके जवाबों पर वापस पलटवार की तैयारी त्यागी साहब ने कर ली है। त्यागी साहब, त्यागी साहब बोलिए। इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने गुमराह और ठगने का काम किया है। ऐसी कोई बिरादरी नहीं जिसको, ऐसी कोई जाति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जिसको समाजवादी पार्टी ने ठगा नहीं, चाहे वो पिछड़ों के नाम पर इनके मंत्री रहे हो, आजम खान हो, उनको भी आज परिवार सहित वो अपने कुकर्मों उनको गुमराह करने का काम किया, उनसे गलत कार्य किसके इशारे पर किए? आजम खान ने, सारे सपा परिवार के कहने पर उन्होंने गलत काम किए, आज अपने कुकर्मों की सजा वो जेल में भुगत रहे हैं। गायत्री प्रजापति हो, ओबीसी समाज से आते हैं, उनको भी गुमराह किया, उनसे धन बटोरा है, पूरे प्रदेश में लुटवाने का काम किया, वो भी अपने कुकर्मों की सजा भुगत रहे हैं।
मुझे तो समझ में ये नहीं आता, आधी समाजवादी पार्टी जेल से चुनाव लड़ रही है और आधी समाजवादी पार्टी बाहर से चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बेहद जागरूक है, इन लोगों के दिन अब लद चुके हैं ऐसे दलों के, और 10 मार्च को इनकी राजनीतिक दुकानों के शटर परमानेंट रूप से उत्तर प्रदेश की जनता बंद करने जा रही है। रही बात बेरोजगारी की, अरे भैया सपा वालों, उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी को बेरोजगार किया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। त्यागी जी मेरी बात सुने आप, आपने अभी अभी आपने जो जो बताया है, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, पार्टी से कहना चाह रहा हूँ कि आज आरक्षण के सवाल की बात आप करते हैं, नाम लिया आपने, जहाँ भी भर्तियां होती थी आप यही पर गौर, अरे भाई आप विशेष जाति भर्ती हुई है और आप लोगों ने आप जहां तक चलेंगे मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, आपके हर झूठ को बेनकाब करने का काम करूंगा। हमने अनिल यादव जी की तरह हिस्ट्री सीटर को यूपी यूपीएससी का चेयरमैन बना करके नहीं बैठाया था। इतिहास गवाह, उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी कोई हिस्ट्री सीटर यूपीएससी का चेयरमैन नहीं बना। ये कारनामा भी समाजवादी पार्टी ने किया था, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। आप बताइए अनिल यादव गैंग हिस्ट्री सीटर थे या नहीं थे, जिनको आपने यूपीएससी जैसी सर्वोच्च संस्था का चेयरमैन बनाने का काम किया। आप तो नौकरी दे नहीं सकते हो, और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि कैसे जाति विशेष की लिस्ट बंद कमरे में बैठकर बन जाया करती थी, कैसे उत्तर प्रदेश के 5-5, 10-10, 15 जिले आपस में कद के हिसाब से लूट के लिए बांट लिए जाते थे। उत्तर प्रदेश की जनता ये सब जानती है। उत्तर प्रदेश की जनता आपके किसी झूठ बहकावे में नहीं आने वाली। आपको और इसी डर की वजह से त्यागी साहब लंदन का टिकट करा चुके हैं। त्यागी साहब छठे चरण को लेकर सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए त्यागी साहब, छठे चरण को लेकर न्यूज वन इंडिया की टीम लगातार पूर्वांचल में ग्राउंड जीरो पर है, आम जनता से बात भी कर रहे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं और कि उन्हें रोजगार नहीं मिला। नौजवान ये कहता है, किसान कहता है कि छुट्टा जानवर उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, छुट्टा जानवर की वजह से कई बार हादसे हो जाते हैं, पानी की समस्या लगातार बनी हुई है, स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, शिक्षा समस्या बनी हुई है। ये आम जनता के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है। त्यागी साहब ऐसा है, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की हमारी मातृशक्ति, उत्तर प्रदेश की हर जाति, हर धर्म, हर मजहब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आस्था जता रहा है, जिसका रिजल्ट 10 मार्च को सुबह 11 बजते इन लोगों के सामने होगा। रही बात किसानों की, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसानों की फसलों का बीमा। त्यागी साहब, मैंने आपसे सवाल छुट्टा जानवर पर किया है। देखिए किसान निधि मिल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मिल रही है। आप मुझे बताइए छुट्टा जानवरों को लेकर समाधान 5 सालों में क्या किया गया? देखिए हिंदुस्तान एक 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है, जिसमें बहुसंख्यक के रूप में सनातनी हिंदू रहते हैं, उनकी आस्था का विषय है गो माता। क्या ये लोग ये चाहते हैं कि जैसे पहले इन्होंने जाति विशेष को छूट दे रखी थी कि गाय माता का चौराहे पे कत्ले? नंदी बाबा का जिक्र कर रही हूँ, गाय माँ गौ माता का जिक्र नहीं कर रही, नंदी बाबा का जिक्र कर रही हूँ। नंदी बाबा की जहां तक बात है, नंदी बाबा के लिए हर क्षेत्र में किसान बखूबी, मैं भी एक किसान पुत्र हूं, आप ना भूलें, मेरा परिवार भी और स्वयं मैं भी खेती से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं, किसान ये अपने मन में बना चुका है, उत्तर प्रदेश का किसान अपने मन में ये बना चुका है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा हिस्सा अगर हमारे धर्म आस्था के प्रतीक को जाता है, नंदी महाराज खा जाते तो कोई बात नहीं। ये चंद चार लोग इनके हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। रही बात, कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, छुट्टा जाना फसल बर्बाद कर दे, कोई बात नहीं। आप कह रहे हैं कि आप किसान परिवार से आते हैं, आप पांच बीघा खेती करते हैं, पांच बीघा खेती कर रहे हैं, जानवर आए पूरी फसल बर्बाद कर दे, आपको कैसा एहसास होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 900 रुपए प्रति गोवंश के लिए तय किए हुए हैं, गौशालाएं बनी हुई है, और अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो अब 2022 से 2027 तक इस विषय को भी खत्म कर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ये आखिर में सही बात बोली आपने। केडी साहब क्या कह रहे हैं, आप बोलिए, पहले से आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, एक एक करके बोलिएगा तभी आवाज आ पाएगी। अभी जिस तरह से बता रहे थे, जो गौपालकों की बात कर रहे थे, आज की हालत गौशालाओं में पैसा जो आ रहा है, 60 पैसे इन लोग देते हैं एक जानवर के, आज वहां पर जानवरों को जो बटोर करके रखते वहां रातों रात मार करके और हत्या हो जाते, कीड़ा मर जाते, वहीं पर जेसीबी से गड़बड़ किया जा रहा है। यह है गौपालक लोग, यही है गौ सेवा करने वाले लोग। और रही बात किसान निधि की, बात जो कर रहे थे, किसान निधि दे रहे हैं, वही हालत है कि धोती छोड़ करके पगड़ी बांध दे रहे हैं, 50 किलो डाई यूरिया का जो हालत है उसमें 5 किलो कटिंग कर दे रहे हैं। ठीक है। की हालत है कि पेट्रोल डीजल का इतना महंगा हो रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे यादव साहब। ठीक है, वो तो हमने जानने की कोशिश कर ही ली। यादव साहब एक मिनट, दीपक जी आप सुन रहे हैं, आप दोनों को सुन रहे हैं, सपा को भी सुन रहे हैं, बीजेपी को भी सुन रहे हैं। अभी मैंने एक सवाल किया था आगे साहब से, सीधा जवाब नहीं दे पाए। लास्ट में कहते हैं कि 2027 तक कर लिया जाएगा। कहीं कोई कमी रह गई है तो 2027 तब तक फसलें बर्बाद होती रहे। त्यागी साहब, ये देखिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी गौशालाएं बन रही हैं, 900 रुपए प्रति गोवंश जो किसान पाल रहे हैं उनको भुगतान हो रहा है। अगर कहीं कोई कमी है, कहीं नहीं, तो बहुत कमी है, आगामी पूर्वांचल में बहुत कमी है, पूरा कर लिया जाएगा। पूर्वांचल में बहुत कमी है त्यागी साहब, पूर्वांचल में जो लोग, पूर्वांचल में देखे, मेरी बात सुनिए, पूर्वांचल में जो लोग इस विषय को मुद्दा बना रहे हैं, ये झूठा और बेबुनियाद मुद्दा है। पूर्वांचल की जनता और पूर्वांचल के चुनाव नतीजे इस बात को साबित करेंगे। आप मेरी बात लिख करके रख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी वाले भाइयों को 10 मार्च में अवश्य बुलाइएगा। ठीक है त्यागी साहब, बिल्कुल बिल्कुल, हमने नोट कर लिया आपकी बात। और 10